नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीत टंडन और द हॉट रिंग आपके द्वारा से स्वागत है। आज आप देखने वाले 20 फटाफट न्यूज पॉलिटिकल और हमारे देश की राजनीति के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल द हॉट रिंग को सब्सक्राइब करिए ताकि देश विदेश की सारी खबरें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। कैप्टन अमरिंदर ने दिया सीएम पद से इस्तीफा। पंजाब की अंबिका सोनी ने ठुकराया सीएम का पद। कैप्टन ने कहा कि अगर सिद्धू को बनाया गया पंजाब का मुख्यमंत्री तो वो इसका विरोध करेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की मीटिंग में उन्हें निर्विरोध चुना गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का दौरा। 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी। अशोक गहलोत ने कहा उम्मीद है कि कैप्टन कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य का संकट हरता होता है। सीएम के पद के बदलाव को लेकर कपिल सिब्बल ने दिया बयान। कोरोना टीकाकरण को लेकर राहुल गांधी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब इवेंट खत्म हो गया है। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट कर्नल कोटियाल ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से चुनाव लड़ेगी। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि 2022 के चुनावों के लिए उत्तराखंड में बीजेपी का चेहरा होगा पुष्कर सिंह धामी जी। शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को एक स्थायी अध्यक्ष चाहिए ताकि हमारी पार्टी में और ऊर्जा भरी जा सके। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमारी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी ही डिसाइड करेंगी कि 2022 के यूपी चुनावों में वो कांग्रेस की तरफ से चेहरा होंगी या फिर कोई और। विधायकों की बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी जी ही चुनेंगी पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्हें एक एक्सीडेंटल हिंदू बताया। हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट लगी है। योगी आदित्यनाथ के पिताजी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण सपा एमएलसी और एक अन्य नेता पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक पाकिस्तान के समर्थक हैं, एक पाकिस्तानी समर्थक हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा कि नाकाबिल सिद्धू को मैं ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं करूंगा स्वीकार। जनरल गुरमीत सिंह को बनाया गया उत्तराखंड का नया गवर्नर। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जोरों पर। हरिद्वार में उबड़ा जनसैलाब।